पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश के ठाकुरद्वारा क्षेत्र में आदमखोर तेंदुआ पकड़ने निकली टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी कर एक शिकारी के पास से 60 तोतों को बरामद किया है। इस गुड़बर को लेकर वन विभाग अपनी पीठ थपथपाने में लगा है, जबकि पिछले पखवाड़े से 2 बच्चों पर तेंदुए के हमले के बाद से वन विभाग के हाथ खाली हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों का गुस्सा उबाल मार रहा है। तहसील के गांव बालापुर में 10 वर्षीय शिवा और मुनीमपुर रायभूड़ में 2.5 वर्षीय वंदना पर हमले के बाद से तेंदुए का आतंक दर्जनों गाँव में व्याप्त है। इसके साथ ही कई लोगों पर हमला कर चुका है। ग्रामीणों का दिन का चैन और रात की नींद उड़ी है, लिहाजा आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने के लिए स्थानीय वन विभाग समेत WWF समेत एक्सपर्ट की टीम सर्च अभियान चला रही है। बीते रोज दिलारी के नारायणपुर तेजू में बेखौफ तेंदुआ पिंजरे के पास अटखेलियां करता चला गया। इसको पकड़ने की ठोस रणनीति बनाने की बजाय वन विभाग से एक्सपर्ट की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही का अंजाम दिया। हाकम अली के घर की घेराबंदी कर 60 तोतों के साथ गिरफ्तार किया है। उसको बड़ी मुस्तैदी के साथ गिरफ्तार कर पुलिस को सौंपा। कार्यवाही के दौरान ग्रामीणों को कहते सुना गया, काश वन विभाग तेंदुआ पकड़ने के लिए इतनी मुस्तैदी दिखाता तो ग्रामीणों को तेंदुए के आतंक से निजात मिल जाएगी। हमें डिलारी में तस्कर पकड़ा गया है जो जंगल से और खेतों से तोतों को पकड़ता था और उनको मार्केट में जाकर बेचता था, जिसका विभिन्न प्रकार से दुरुपयोग किया जाता था। इस संबंध में एक लोकल निवासी हाशिम की गिरफ्तारी की गई है और उसके विरुद्ध वाइल्ड लाइफ की संगत दौरान में अभियोग पंजीकृत किया। सर, इन तोतों को ये क्या करते थे, कहाँ कहाँ बेचते थे, क्या किस क्या कॉस्ट? लोकल मेरा लोकल मार्केट में बेचना होता है, इसके अलावा अगल बगल के जनपदों में बेचना होता है। उसमें पता कराया जा रहा है कि कौन कौन लोग हैं जो इसमें शामिल है। किन धाराओं में सर इनका? वाइल्ड लाइफ एक्ट की धाराओं में इनका मुकदमा पंजीकृत किया गया।